इसमें लेग स्ट्रक्चर क्या होता है सर? 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 30 किलोमीटर के आदमी को आप एक लेग में रखें, क्योंकि 30 किलोमीटर के आदमी लगभग एक दूसरे को जानते हुए मिलते हैं सर। 0 से लेकर 30 किलोमीटर के आदमी को आपने एक लेग में रखना है। मेरी अपनी पर्सनल जब से मैं काम करना स्टार्ट किया है, हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर ये बोलते रहते हैं कि भी आप अपना कहीं भी स्टार्ट करो, लेकिन मेरा खुद कहता हूं कि अगर हम गांव की गांव में या 30 किलोमीटर के दायरे में अगर करते हैं स्टार्ट करते हैं ना सर, तो वो उसकी तरफ खींचेगा, वो उसकी तरफ खींचेगा, आपस में क्या हो जाएगी, खिस्तान होगी। इस दायरे को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, यानी कि 10 किलोमीटर तक तो आपने 101% अपना ए लेग में ही रखना है, ठीक है सर। दूसरा, एक फ्रेंड जो आपके फ्रेंड सर्कल में है ना सर, जो फ्रेंड हैं उनको एक लेग में रखें। मान लिया क्या है, ये चाहे 30 किलोमीटर से पार हो, एक मेरा मित्र हासी में और एक मेरा मित्र है सर जाके नारायणों में या हिसार में या जींद में 30 किलोमीटर से बाहर, वो हासी वालों को भी जानता है और जींद वालों को भी जानता है, उन सबको भी अपने को एक लेग में रखना है, ताकि वो अपनी पर्सनल, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में तो फ्रेंड सर्कल में ज्वाइनिंग लेके आएंगे वो, जब फ्रेंड सर्कल में ज्वाइनिंग लेके आएंगे तो वो सभी लोग एक ही पंक्ति में रह सकते हैं। उसके बाद में सर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका बिजनेस जब तक आपका व्यापार 1 लाख से ऊपर ना चला जाए, या 5,000 मंथली ना हो जाए सर, सौ किलोमीटर से बाहर नहीं जाना, क्या होता सर हमारे साथ सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है कि हम, नमस्कार सर, हम क्या करते हैं सर, एक ज्वाइनिंग तो अपनी यहां है, एक ज्वाइनिंग अपनी जो है 100 किलोमीटर से बाहर है, हम यहां भी चले जाते हैं उसकी जुआनी करने का तो दौड़ते हैं। अपलाइन को क्या चाहिए सर, बिजनेस चाहिए, अपलाइन को बोल देती है भाई तू हाँ और चला जा, बोला फलाने जगह से जुआनी उठा लिया, अब उसका आने जाने का खर्चा लगेगा 1,000 से 2,000 रुपए, दूसरे महीने वो क्या हो जाएगा सर, डेड होकर बैठ जाएगा, आपको 2-4 महीने के दूसरे महीने के बाद तीसरे हो जाएगा, तीसरे महीने तो चौथे हो जाएगा, चौथे महीने तो पांचवा हो जाएगा। जब तक उसका बिजनेस 1 लाख से ऊपर ना हो जाए, उसकी दो प्रकार से आपने सर लिस्ट बनवानी है सर, उसका टॉपिक अभी बाकी है, दो प्रकार से लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट बनाओ 0 से लेकर 50 किलोमीटर के आदमी सर, फिर बनाओ उसकी 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के आदमी, आपको चाहे 2 साल लग जाए सर, जब तक उसका इतना बिजनेस ना हो जाए, क्योंकि 1 लाख के बिजनेस को भी लगभग 4 से 5 हजार रुपए स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक आपका 5,000 रुपए मैक्सिमम मंथली इनकम ना स्टार्ट हो, तब तक आपको इस स्लैब को तोड़ना नहीं है 100 किलोमीटर से बाहर वाली का, क्योंकि आपको बिजनेस संभालने के लिए हर महीने जाना पड़ेगा, हर सप्ताह जाना पड़ेगा, और जब हर सप्ताह या हर महीने आप जाओगे तो आपका खर्चा भी लगेगा आपकी टीम का, और जब आपकी टीम का आपको अपने मतलब के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, आपको टीम के मतलब के लिए काम करना है सर, और आप टीम के मतलब के लिए काम करोगे ना तो आपका मतलब तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख से ऊपर का बिजनेस जब तक नहीं चला जाएगा, 5,000 से ऊपर की इनकम जब तक उसकी नहीं स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आपको ये 100 किलोमीटर का एरिया नहीं छोड़ना है, क्योंकि 100 किलोमीटर का एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर आपकी यहां पर आपकी फर्स्ट लेग भी स्टार्ट होगी, यहां पर आपकी सेकंड लेग भी स्टार्ट होगी, दोनों लेग आपके मेंटेन रहेंगी, दोनों लेग जब आपके मेंटेन रहेगी तो आपका इनकम सोर्स भी बढ़ेगा, जब आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन पार्ट पैदा होगा, कुछ जैसे हम हैं। अब सुदेशी बात असर बहादुरगढ़ है या नजफगढ़ है, इनके तरफ आप 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, आप यहां पर डेली जाकर के वापस आ सकते हो, सुबह जा सकते हो, शाम को आराम से वापस आ सकते हो, पूरा दिन प्लान देके मीटिंग देके भी। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर से बाहर कर दिया तो सप्ताह में ऐसा तो है कौन, उस व्यक्ति को पहली बार प्लान दिखा दिया, दूसरी बार में अपना प्लान दिखाने की जरूरत को नहीं, दूसरी बार वो 20-25 ज्वाइनिंग खुद लपेटे पाओगा, ऐसा तो ही कौन सर। तो ऐसी गलती अपनी टीम के साथ कभी नहीं करनी, टीम को एक बात बताओ 1 लाख रुपए महीना, जब तक 1 लाख का बिजनेस ना हो जाए, 5,000 मंथली ना हो जाए, तब तक आपको 100 किलोमीटर से बाहर नहीं जाना। चौथी जो चीज है ना सर वो है इसके अंदर टीम से झूठ नहीं बोलनी सर कभी भी,
अपनी टीम से कभी भी झूठ नहीं बोलनी। और झूठ का मतलब क्या है सर, यहां पर व्यापार के बारे में आता है सर जी, कल अपने मतलब के लिए नहीं, अपनी टीम को ये नहीं कहना कि सर आपके नीचे से इसमें इतना बिजनेस आ जाएगा आप खींच दो, आप करके दिखाओ तब आप अपनी टीम को बोल सकते हो। अपनी टीम को ही नहीं बोलना कि सर मेरे बीच से इतना बिजनेस आ जाएगा, मैं आपने इतना बिजनेस दे दूंगा और आप नु कर लो। कई आदमी क्या झूठ बोलते हैं सर, सर एक लेग तो मैं आपके चला दूंगा, दूसरी लेग आप चला लियो। ये सबसे कड़वा सच है सर, ये जहर है। और ये ऐसा जहर है जो आप अपने बिजनेस में डाल रहे हो ना, तो आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो सर, खत्म कर रहे हो। उसको एक बात बोलो कि सर ये ए लेग भी आपकी है और बी लेग भी आपकी है, मैंने आपको पहले बता दिया, इस किलोमीटर की आदमी आप इसमें रखो, इस किलोमीटर की आदमी आप इसमें रखो। थोड़ी देर के लिए आपको पेन तो होगा उस व्यक्ति को, वो हो सकता है कि आपको छोड़ के चला जाए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सोचे भीगा कि यार ये बंदा सही बोला झूठ तो बोल बोले। इस जहर को नहीं फैलाना कि मैं एक लेग के पीछे, हाँ अपनी मर्जी से आप अपनी चलते हो, जैसे राम मिर्जी अपने साथ में सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है सर अपने, इनकी लेग ऑटोमेटिकली चलना रही क्योंकि पावर में लग रही है, इनके नीचे ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग हो रही है, वो इत्तेफाकन बात है, वो इत्तेफाकन बात है। जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं उसको ये नहीं कहना कि भाई साहब तेरी ए मैं चला दूंगा, बी में तू आ जा। आप कितना बिजनेस दे दोगे सर, दो महीने बाद, तीन महीने बाद, चार महीने बाद, पांच महीने बाद, जब आपका बिजनेस जीरो होगा ना, तो उसके बाद में क्या होगा सर, वो व्यक्ति नेगेटिव होगा नहीं होगा राम जी, उन्हें होगा ना सर 100%, क्योंकि वो सोचेगा यार तीन आदमी झूठ बोली मेरा बिजनेस बनाने खातर। तो इसलिए अपने को अपने मतलब से नहीं, टीम को पूरी बात जो है ना सर वो कंप्लीट करके बतानी है कि आपको क्या करना है। तो एलडीपी का चौथा टॉपिक ये था सर, लेग 0 से 30 किलोमीटर, लेक लेग में रखें 0 से 30 किलोमीटर की आदमी, फ्रेंड है उनको एक लेग में रखा, जो फ्रेंड सर के लोग हैं उनको एक लेग में रखा है। जब तक आपका व्यापार 1 लाख से ऊपर ना चला जाए या 5,000 मंथली ना हो जाए, 100 किलोमीटर से बाहर नहीं जाना सर, झूठ अपनी टीम से नहीं बोलनी। ये छोटा सा टॉपिक था सर लेग स्ट्रक्चर का। एलडीपी का एक सेकंड पार्ट जो होता है वो जल्दी खत्म करूंगा सर, यानी कि प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे लेके आए सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोग्राम में कैसे लाना है। बस सोनू जी ये 5 मिनट का टॉपिक रह गए हो, यानी कि अपने सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सर, लोग नहीं आते स्ट्रक्चर में, भाई कहने से लोग नहीं आते कैसे है सर, आपको तरीका नहीं है सर इसलिए लोग नहीं आते। पहला चीज क्या सर, फेथ विश्वास, पहली जो चीज है ना सर वो है आपका विश्वास। पहला तो आपको सर खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस प्रोग्राम में राममीर जी को इस प्रोग्राम में बिठाऊंगा तो इस प्रोग्राम में बिठाने से राममीर जी को क्या प्रॉफिट होने वाला है। दूसरे नंबर भी होना चाहिए मैं अजीत जी को बिठाऊंगा, डॉक्टर साहब को बिठाऊंगा या मेरी टीम के और लोगों को बिठाऊंगा तो इस प्रोग्राम में बैठने से क्या होगा उनके, हमारे को पहले खुद के ऊपर विश्वास हो कि इन लोगों को अगर मैं अपने सेमिनार में बिठाऊंगा तो इन लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होगा, ये कुछ सीखेंगे। अगर हमारे के मन में यही है ना, दो चीजें होती है सर यहां पर, एक तो होती है भीड़ दिखाना, एक होता है जी व्यापार सिखाना। ये रट्टा मार लो सर दो चीजा पे, एक तो होता सर भीड़ दिखाना और एक होता है व्यापार सिखाना। भीड़ दिखाने का मतलब बलवान जी आना 10 टिकट दे दी, अपन सेमिनार में 10 लोग भीड़ के रूप में लेके आने हैं, उसको व्यापार में कन्वर्ट नहीं करना। एक चीज ये होती है कि अपने को न व्यापार दिखाना है, भीड़ से कोई मतलब को नहीं, व्यापार में जब अपने 10 लोग अपने साथ में आएंगे तो अपना व्यापार अपना बिजनेस बढ़ेगा। दो चीजें हैं सर इस बात में, मोस्टली हमारे साथ में फर्स्ट टॉपिक होता है, हम भीड़ तो दिखाने के लिए लेके आते हैं ताकि वो हो लीडर आना रहा बोलो मांझा 10 टिकट दे दिए, 10 टिकट के लाग 100 रुपए दे दिए बतू रहे आजा भाई, उस वक्त हमारा व्यापार नहीं बढ़ेगा। तो मेरे जी ठीक है ना, व्यापार नहीं बढ़ेगा। अपने को भीड़ के तरीके से कभी नहीं लेके आना, विश्वास करना है कि अगर हम इसको इस व्यक्ति को व्यापार के तरीके से लेके आना है, मेरे को इसको सिखवाना है, ये सीखेगा समझेगा तो इसका व्यापार बढ़ेगा, इसके घर में 2 रुपए आएंगे, 2 रुपए आएंगे तो अपने घर में 4 रुपए आएंगे। दो टॉपिक है सर यहाँ पर। कई बार क्या होता है राजनेता क्या करते हैं सर, राजनीतिक रैलियों में जो उसके वर्कर है ना सर, वो क्या दिखाने के लिए जाते हैं, भीड़ दिखाने के लिए। उस भीड़ को कभी भी वो, मैं उदाहरण देना चाहूंगा सर, किसी राजनीतिक पार्टी का उदाहरण नहीं देना चाहता मैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूं,
मैं उदाहरण देना चाहूंगा सर, वो इनेलो या फिर जेजेपी हो, आपने देखा होगा सर इनकी रैलियों में भीड़ तो बहुत जुड़ती है, लेकिन वो उस भीड़ को किस में कन्वर्ट नहीं कर पाते सर, व्यापार में कन्वर्ट नहीं कर पाते, वोटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। रामीर जी, भीड़ तो बहुत है, व्यापार में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और जब तक व्यापार में कन्वर्ट नहीं कर पाते तब तक उनकी स्थिति वही बनी रहेगी। अपने को ना सर इस पे का टॉपिक पे काम नहीं करना, अपने को इस टॉपिक पे काम करना है। इस टॉपिक पे काम करोगे तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इतने लोगों को लेके आऊंगा ना तो इससे मेरा व्यापार क्या होगा सर, बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है सर, वो अपने पास में दूसरे नंबर पे आता है सर, स्टार्ट प्रमोशन अर्ली। यानी कि कोई भी प्रोग्राम है, जब उसकी डेट फिक्स हो जाती है ना, डेट फाइनल हो जाए, उसी दिन से काम में लग जाएं। अब यहां पर दिक्कत होती है सर, स्टार्ट प्रमोशन अर्ली। अपने पास में 15 दिसंबर का प्रोग्राम है सर, मेरे को 15 दिसंबर दिखाई दे रहा है, अभी कल ही आने वाला है भाई। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है सर, स्टार्ट प्रमोशन अर्ली। जब भी प्रोग्राम की डेट फाइनल हो जाए ना सर, आप उसी दिन से, आप एक बात बताओ, शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो उसी दिन से तैयारियां शुरू हो जाती है ना सर, किस तो क्या करना है, क्या नहीं करना, किस प्रकार से करना है। अपनी सबसे बड़ी गलती यहां पर है, सबसे बड़ी गलती यहां पर है कि हम जब स्टार्ट प्रमोशन अर्ली, जब से डेट फिक्स हो जाती है उसी दिन से हम प्रमोशन स्टार्ट नहीं करते इस प्रोग्राम की। हम क्या करते हैं, अरे अभी तो 15 दिन बाकी हैं, बुआ जी आ जाओगी, चार दोस्त और आ जाएंगे, पांच और आ जाएंगे, सात और आ जाएंगे, दस और आ जाएंगे, 15 और आ जाएंगे, और जब लास्ट डेट पे, हाँ सर कल प्रोग्राम है बुआ जी, भाई मार तो छोरी ने देखा खतरा होंगे, ऐसा होता है ना सर। उसका रीजन क्या है सर, वो गलती उनकी नहीं हमारी है। क्यों, क्योंकि हमने पहले से उनको चेताया नहीं। उनको एक बात बोलो सर, 15 दिसंबर का प्रोग्राम है, 15 दिसंबर के लिए कोई भी प्रोग्राम फिक्स नहीं रखोगे, ये डेट मेरे को देनी है आपने। आपने अगर दिल से बोला है ना सर, प्रैक्टिकल रिजल्ट है मेरे पास में, अगर आपने दिल से बोला है ना तो सर 100% प्रैक्टिकल, आप 100 आदमी को बिठा सकते हो, 100 लोगों को अगर आपने कहा है ना सर, अगर आपने दिल से बोला है तो आप 100 के 100 लोगों को प्रोग्राम में लेके आ सकते हो। एक बार इसके ऊपर काम करके देखो। दूसरे नंबर पे क्या है सर, तीसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है, छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रमों में अपनी जो आती है ना सर, वो आती है होम मीटिंग। दूसरे नंबर पर अपने आप आती है ग्रुप मीटिंग। तीसरे नंबर पर आती है सर एलडीपी, जो अपनी भी चल रही है। उसके बाद में सर अपलाइन के साथ में अपलाइन मीटिंग, इनके साथ में छोटे छोटे कार्यक्रम का मतलब क्या है सर, आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में बिठाओगे ना तो उतने ज्यादा लोग आपके मीटिंग में आएंगे। ग्रुप मीटिंग जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। एलडीपी जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लोग आपको सीखेंगे, और अपलाइन के साथ बार बार मीटिंग करोगे तो आपका बार बार आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अगर आपने छोटे छोटे कार्यक्रम रखे तो आपने, जैसे मीटिंग बता देता हूं सर, एक महीने में आपने 20 होम मीटिंग करी, 20 होम मीटिंग में आप 40 आदमी आए, रेशो क्या आएगा सर, 10 आदमी तो 100% मीटिंग में आएंगे सर, सेमिनार में आएंगे अगर आपके पास रेशो है तो। अगर आप ये सोचते हो कि सर सप्ताह में एक बार हासिल में मीटिंग होती है, चलो वहीं पर चल पड़ते हैं, फील्ड में वर्किंग नहीं है, आए मीटिंग में बैठे घर पर चले गए, और 15 दिसंबर मास्टर जी ने बोल दी कि 15 दिसंबर सुदेश चनी का प्रोग्राम है, लजीज मूवमेंट होटल में आना है, और आए मीटिंग में चले गए, आए मीटिंग में चले गए, ना तो विश्वास है कि ये प्रोग्राम हमारे को देख आ सकता है, ना हमने इसको प्रमोशन स्टार्ट करी है, ना छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा सर, जीरो आएगा। तो इसलिए चौथा जो टॉपिक है, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं सर इस चीज को, चौथा जो काम है ना सर वो है पैसा इकट्ठा करना। पैसा इकट्ठा करना, टिकट का। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने कुछ लगभग एक साल के करीबन से हो गया सर हमने एडवांस टिकटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। रामीर जी ये गलत है, ठीक है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को रिजल्ट बहुत बढ़िया लगा सर, क्योंकि अगर आपने पैसा इकट्ठा करना का मतलब सर अपने पास में मीटिंग है,
उस मीटिंग के अगर अपने पास में 400 टिकट एडवांस आई हुई है और हमने टीम की जिम्मेवार लगा दी, डॉक्टर साहब 50 टिकटें आपकी हैं और आपने पैसा दो रे टिकट पकड़ो, अपन को कुएं में गेड़ तू टिकट में, तो जब तक हमारे ऊपर दबाव नहीं पड़ता ना सर, तब तक हम वर्किंग भी नहीं करते हैं। जब अपने ऊपर दबाव पड़ेगा ना सर, अभी तो जैसे छोटा सा बच्चा है, मुकेश कठारी को बोलते हैं कि जब छोटे बच्चे को आप इंजेक्शन लगवाओगे ना तो क्या होगा, रोएगा, लेकिन जब इंजेक्शन लगवाने के बाद वो ठीक हो जाएगा ना तो उसके बाद वो अपने माता पिता का क्या बोलेगा, एहसानमंद होगा। अभी तो अपने कोई चीज इकट्ठा लगेगी थोड़ा सा बोलते समय, थोड़ा सा बोलते समय, पैसा टिकट देते समय, एडवांस टिकट करते समय थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब हम इसके ऊपर टिकट पे काम करेंगे ना सर, तो रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। क्योंकि अगर आपने 100 लोगों को एडवांस टिकट दे दी तो 100 लोगों की जिम्मेवार गारंटी है कि 100 में से तो 90% लोग तो आएंगे, क्योंकि जब तक जेब से कुछ लगता नहीं है ना तब तक आदमी सीखता भी नहीं है और तब तक आदमी आता भी नहीं है, और जब जेब से पैसा लगेगा ना तो 100% वो आदमी क्या करेगा सर, मीटिंग में आएगा। उसके बाद में सर अपने पास में पांचवा जो टॉपिक है ना वो है सर परिवार के साथ व्यापार। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना सर, तो अपने परिवार के साथ बिजनेस करें, क्योंकि अगर आपके परिवार के साथ में बिजनेस करोगे ना तो आपका बिजनेस अच्छी बुलंदी बजा सकता है। जैसे डॉक्टर साहब की मिसिज है सर, वो इस बिजनेस के प्रति थोड़ी सी स्टार्टिंग में नेगेटिव थी, लेकिन जब उन्होंने इस बिजनेस को देखा, बार बार मीटिंगों में आए, तो आज वो पॉजिटिव है। किस वजह से? केवल मीटिंगों की वजह से। तो व्यापार आपका मीटिंग में क्या करते हैं, कई बार हम अकेले चले आते हैं, अपने परिवार को इस बिजनेस में जरूर शामिल करें। परिवार को बिजनेस में शामिल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डबल होगा। छठा जो टॉपिक है ना सर वो है सर वर्क विद लिस्ट, यानी कि आपको जो है ना सर वो लिस्ट के साथ में काम करना है, बिना लिस्ट के काम नहीं करना। हम क्या करते हैं, आज तक मैंने को नहीं पता किसने किया किसने नहीं किया, लिस्ट दो प्रकार से प्रिपेयर होनी चाहिए। एक तो होती है सर सेमिनार के लिए, एक तो अपना सेमिनार, अपनी टीम का सेमिनार हो उसके लिए, दूसरा है सर अदर सेमिनार के लिए, मैंने बार कोई सेमिनार उसके लिए। आपको किन किन लोगों को अपने सेमिनार में बिठाना है, किसके सेमिनार को, मान ले एक तो सेमिनार है हांसी में और एक सेमिनार है हिसार में, आपको कौन किन लोगों को बिठाना है उस सेमिनार में। हमारे पास में सबसे बड़ी बात तो ये है सर, हम कभी भी लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते प्रोग्राम में, किस किस को बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना, और जब तक हमारे पास में पूरी पूरी लिस्ट शामिल नहीं होती तब तक हमारा व्यापार भी आगे नहीं बढ़ता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्रामों में नहीं पहुंच पाते। सातवें नंबर का जो टॉपिक है ना सर वो है यूज टूल, यानी कि जो भी टूल्स है ना सर उनका प्रयोग करें, और टूल्स का जितना ज्यादा प्रयोग करोगे उतना ज्यादा आपका व्यापार बढ़ेगा। जैसे सर ये प्रोडक्ट लिस्ट कैटलॉग है आपके पास में, ये होनी चाहिए सर, जब तक ये प्रोडक्ट इसमें अंदर प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। आपको ये थोड़ी है कोई आदमी इसमें 500-600 प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी पूछेगा। मोस्टली किसको पूछता है, देवेंद्र जी चाय के बारे में पूछ लेगा, हल्दी के बारे में पूछ लेगा, नमक के बारे में पूछ लेगा, मिर्च के बारे में पूछ लेगा, कपड़ों के बारे में पूछ लेगा। ये आप प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास में जरूरी है सर, ये प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास में है ना तो इसमें मोस्टली प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है और आप उनको आराम से बैठ करके बता सकते हो प्रोडक्ट के बारे में। दूसरे नंबर पर सर ये चीज है, यहां पर ये सर मार्केटिंग बुक है, इस मार्केटिंग बुक में टोटली दिखा रखा है आपका हेल्थ कार्ड के बारे में बता रखा है, और इसके में यहां पर सफा पुफा और मुफा तीनों प्रकार का फैट होता है उसका कॉम्बिनेशन दिखा रखा है। कई बार आदमी फील्ड में मिलते हैं, मेरे को बहुत बार मिलते हैं सर, हम तो सरसों का तेल इस्तेमाल कराए साथ आदमी इस तो सरसों का तेल होता ही नहीं, उसको बताओ उसका मस्टर्ड ऑयल पे आ जाओ। यहाँ पर सफा 3, 29 और 68% रेड का मतलब क्या है, लाल खतरे की निशानी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रत्येक प्रोडक्ट के, अब तो नहीं आगे सर, प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर भी दे रखा है, और उसको लास्ट में अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हो ये बिजनेस क्या है तो यहाँ पर ये दिखा भी रखा है कितने परसेंट पैसा आता है, इसकी कमीशन स्लैब भी यहाँ पर है, और यहाँ पर इसका टेक्निकल बोनस कैसे आता है, रॉयल्टी बोनस आपका कैसे आता है, टोटली आपका इस पर दे रखा है। तो आपके पास में टूल्स होने जरूरी हैं, इसके साथ में अपने पास में कंपैरिजन फाइल है जो गुड़गांव से मिलती है, मैंने गोपाल जी को भी बोला है कि इस पीओसी पर आप उपलब्ध करवाओ, तो मैं और भी ज्यादा दबाव दूंगा कि वो इसको उपलब्ध करवाएं ताकि आम डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी सहायता मिल सके। तो यूज टूल, टूल का जितना ज्यादा प्रयोग करोगे सर उतना ज्यादा आपका व्यवसाय बढ़ेगा। मोबाइल आपका सबसे बड़ा टूल हो सकता है, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो वगैरह रखें ताकि उसको आप दिखा सको। दूसरे इसके बाद में है सर 9, 7, 8वें नंबर पे है सर, एक होता है इनविटेशन और एक होता है इंटीमेशन।
इसमें अंतर क्या है सर? एक तो होता है सर इंटीमेशन का मतलब होता है आपको किसी ने मीटिंग में बुला लिया, व्हाट्सअप कर दिया, भाई साहब व्हाट्सअप कर दिया, स्टेटस पर डाल दिया, वो आदमी स्टेटस ने देखा को नहीं, पूछा को नहीं, सौदा क्या है। इन्विटेशन का मतलब होता है सर आमंत्रण देना। आप एक बात बताओ सर, जब शादी होती है कार्ड बनवाते हो, घर घर जाके देख के आते हो या फोन पे क्या देते हो, भैया आप छोरी का आज ये रही फलाने तारीख ने आओ आगे, वो नहीं आएगा सर। वो होता है इंटीमेशन, यानी कि सूचना देना मात्र। आमंत्रण दो घर घर जाकर के, उस व्यक्ति को बार बार मिलोगे ना सर, तब जाके वो प्रोग्राम में आएगा। अगर आपने स्टार्ट प्रमोशन स्टार्ट भी शुरू कर दी, प्रमोशन भी जल्दी शुरू कर दी, लेकिन इनविटेशन बाकी है ना सर, बार बार मिलोगे ना, तब जाके वो व्यक्ति प्रमोशन उसमें आएगा। तो ये चीज है सर, और ये चीज अगर आपने अपने बिजनेस में अप्लाई ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सेमिनारों में लेकर आ सकते हो। पहला आता है सर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस प्रोग्राम में लेके आऊंगा। सुदेश चैनी जी का 10 तारीख को 15 दिसंबर को हासी में प्रोग्राम है, तो उसमें विश्वास होना चाहिए कि मैं रामवीर जी को बिठाऊंगा तो मेरे को क्या मिल सकता है। आपका जिन लोगों को विश्वास ही नहीं होता ना, उन लोगों को बाद में कई बार क्या होता है सर, हम प्रोग्राम में बैठते हैं, वो व्यक्ति जबरदस्त प्लान देता है, जबरदस्त स्पीच होती है, बाद में हमारे को धोखा लगता है यार वो फलाना लिया देना था, मजा आ जाएगा। वो सबसे बड़ा धोखा है सर विश्वास। दूसरी सर स्टार्ट प्रमोशन अर्ली, जब आपकी डेट फिक्स हो जाती है ना सर, उसी दिन से आप प्रोडक्ट की उसकी जो प्रोग्राम होता है उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दें। हमारे क्या होता है सर, लास्ट तारीख तक आप आ जाते हैं, लास्ट तारीख आने के बाद में फिर अपने हाथ पाव फूल जाते हैं, उसके बाद में उनको बुलाना इस ताई नहीं बुलाना, उसके बाद में छोटे छोटे कार्यक्रम हो, मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, एलडीपी, अपलाइन मीटिंग, इन सब के साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाएं, पैसा इकट्ठा करना, यानी एडवांस टिकटिंग के ऊपर काम करना सर। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने बिजनेस को, मैं भी बोलता हूँ सर, ये क्या नाम है देवेंद्र जी, इसमें प्रोग्राम था सर भाई जी होटल में, 25,000 में वेन्यू फिक्स था सर, लेकिन अपने टेंशन फ्री थे सर, क्योंकि अपने पास में पैसा पहले से ही आ चुका था टिकटों का। हमारे को पास क्या होता है सर, मैं गारंटी देता हूँ सर, अब हासी के अंदर जो माहौल बना है उसका रीजन एक ही है सर, एडवांस टिकटिंग। उसका क्यों सर, हमारे पास होता क्या है सर, हमारा एडवांस टिकटिंग नहीं होती ना, तो अपना अगर 10 व्यक्ति आते ना तो टेंशन हो जाएगी यार, तरफ खर्चा कितना पड़ेगा। अगर आपने 100 टिकट पहला बेच रखी है, खर्चा वेन्यू का अपने पास में पहला आ रहा है, तो अपने टेंशन खत्म है, फिर आप खुल के काम कर सकते हो उसमें। तो पैसा इकट्ठा करना सर, परिवार के साथ में व्यापार करें, वर्क विद लिस्ट, लिस्ट के साथ में काम करना सर, बिना लिस्ट के कोई काम नहीं कर सकता। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट में बिजनेस में, तो सबसे बड़ा काम है सर लिस्ट के साथ में काम करना। लिस्ट के साथ में जो व्यक्ति काम करेगा वो 100% कामयाब होगा। यूज टूल का ज्यादा प्रयोग करें। और एक तो होता है सर इन्विटेशन, होता है इंटीमेशन, यानी कि इंटीमेशन होता है फेसबुक का माध्यम था, व्हाट्सएप का माध्यम था, मैसेज भेज दिया, सूचना दे दी, वो व्यक्ति बिजनेस को निकले। आमंत्रण देना पड़ेगा सर, घर घर जाकर बताना पड़ेगा, भाई से मीटिंग है, आना पड़ेगा, टिकट एडवांस में देनी पड़ेगी। तो इन टॉपिक के ऊपर काम करें, 15 दिसंबर है, जबरदस्त मीटिंग है सर, और इसके अंदर जितनी ज्यादा गैदरिंग